सममे शिकर गिरनार के पहाड़ों पर जितनी दुकानें लगती हैं वे पापी नहीं है सबसे बड़ा पापी है उन दुकानों में खाने पीने वाला है वो है पापी सकमेर शिखर में भी आजकल दुकानें लगने लगे वो तो आजीब का मारे उनको तो क्या करें दो रुपया जहां मिलेगा वहां कहेंगे पहाड़ पर थोड़े अच्छे पैसा मिलते नीचे पैसा नहीं मिलते उनको नीचे वो बोतल के लिए पाँच दस रुपये में देते ऊपर जाके पचास रुपये में देते थोड़ी सी मेहनत करने पर उसकी प्रॉफिट कितना बढ़ गया एक नरियल नीचे दस रुपए का मिलता है ऊपर पचास रुपए का मिलता तो वो तो का है बेचारा बाल बच्चों का पेट का मारा है वो इतनी मेहनत करके वहां ले जाता है तुम्हारे लिए उसका दोष कम है जो वहां से श्री फल खरीदते हैं जो वहां पानी की बोतल खरीदते हैं जो वहां से नींबू की शिकंजी पीते हैं भी सबसे बड़े पापी है यानी जो सब में से करके पहाड़ पर पानी पिएगा उन होटल वालों से लेकर के जितनी होटलें वहां लगी हैं सारी होटलों में जितनी गंदगी हुई है उस सब का पाप का भागीदार वो है जिसमें पहाड़ के ऊपर लगी हुई दुकानों में से कुछ खाया पिया है वो सबसे बड़ा यदि सब खाना पीना बंद कर दें तो दुकानें कहा आ जाएंगी अभी लॉकडाउन पर सारी दुकानें नीचे आ गई लॉकडाउन पर यात्रियों का बंद हो गया सारी दुकानें नीचे आ गई प्रश्न आया समित शिखर पहाड़ पर कोई भी अब खाने पीने के साधन नहीं है बोले क्यों उनसे पूछा बोले कोई खरीदने वाला नहीं है। तो हमेश शिखर पहाड़ गंदा वो दुकानदार कर रहे हैं कि खाने पीने वाले कर रहे हैं पर तो पहाड़ को गंदा करने का सारा पाप उनको लगेगा तो सम्मेष से करके पहाड़ पर खाते और पीते हैं उनकी वंदना करना मैं तो कहता हूं वंदना नहीं करना श्रेष्ठ है कोई पूछे महाराज जी मैं वंदना करूंगा तो रस्ते में दो तीन बार मुझे खाना पीना पड़ेगा तो मैं ये कहूंगा वंदना नहीं करोगे तो तुम्हारा वंदना नहीं करने में पुण्य ज्यादा है वंदना नहीं करने में पुण्य ज्यादा है पहाड़ को गंदा कर करके और फिर तुम वंदना करोगे तो पुण्य नहीं आपको पाप ही खाते में आएगा मत करो वंदना नीचे से वंदना कर दो पहाड़ के नीचे से भगवान मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं आपके दर्शन करने आऊं और आपके पहाड़ को गंदा करूं ये मेरे से नहीं हो पाएगा मैं तो पापी हूं ही पहाड़ को भी गंदा करूं ये पाप मैं नहीं कर सकता चाहे भली मैं शुद्ध हूं या नहीं हूं मैं यही नमस्कार करता हूं इतना पुण्य लगेगा उसको जो व्यक्ति पहाड़ की वंदना इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे पहाड़ पर खाना पीना पड़ेगा गंदगी करना पड़ेगी पिएंगे तो लघुसंगा सोसो भी जाएंगे एक पाउच भी फेंकेंगे जूठा करेंगे इसलिए मैं तो समोषण मंदिर के यहां बैठ करके यहीं से वंदना कर लेता हूँ पूजा कर लेता हूँ इतना पुण्य लगेगा एक हजार आठ वंदनाएं जिसने खा पी करके की हैं, उसका पुण्य जीरो है और जिसने इस कारण से नीचे से वंदना कर ली है उसका पुण्य अनंत होना ज्यादा है एक हजार आठ वंदना की है किसी ने लेकिन खा पी के की है तो भी उसे खाते कुछ भी नहीं मिलने वाला और जिसने वंदना ही नहीं की मैं तो नीचे से कर सकता हूं क्योंकि मैं इतनी देर तक प्यास नहीं साध पाऊंगा भूख नहीं सद पाऊंगा मैं तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं रह पाऊंगा इसलिए मैं नीचे से करता हूँ नीचे से करना श्रेष्ठ है श्रेष्ठ थम है आपसे पूछता हो <coughs> तुम तो महाराज को हार देने आ गए और रस्ते में अशुद्ध हो गए हो तो आहार देने में पुण्य ज्यादा है या नहीं देने में नहीं देने में क्योंकि अशुद्ध हो गए इसलिए मेरा तो सब महानुभाव से कहना आज प्रश्न आया है कि सम्मेद शिखर बुरनार आदि के पहाड़ों पर तुम लोग किसी भी प्रकार से वंदना करना बंद करो लेकिन ये नियम लेके रहो हम पहाड़ को गंदा नहीं होने देंगे सारे दुकानदार नीचे आ जाएंगे ये उदाहरण मैंने उस पर दिया कि कौन किसका है जिसके निमित्त से कुंदकुंद भगवान ने एक गाथा दी है संबंध में सेवन तो भी न सेव असेव असेब मानो भी सेब को दी चेठा कस सभी नए पाए चेठा कस् रणोती जैसे एक बरात होती है बरात में बहुत सारे लोग होते लेकिन इस बरात में जो भी आराम परिग्रह हुआ इसका भागीदार कौन पगरे दूला राजा किसके निमित्त से हुआ है कौन इसमें कारण है इसी प्रकार दूसरे लोग जिसके लिए वो बनाया गया जिसके लिए वो काटा गया जिसके लिए वो कार्य किया गया वो भागीदार है ड्राइवर गाड़ी चलाता है जितनी हिंसा होती है मालिक गाड़ी नहीं चलाता वो तो पीछे बैठा सो रहा है लेकिन ड्राइव गाड़ी से जो हिंसा हो रही वो किससे किससे खाते जाएगी ड्राइवर तो कहता साहब मैं क्या करूं सेठ जी ने कहा गाड़ी चलाओ चला रहा हूं और सेठ जी कहता है मैंने थोड़ी गाड़ी चलाई मैं तो सो रहा था तो कर्मबंध कहता है ये गाड़ी किसके आदेश पे चली अरे सेठ जी के ये सारा पाप सेठ जी खाते डाल दो ड्राइवर के खाते थोड़ा सा जाएगा ऐसा